स्वामी भजनानंद आश्रम कंदे में श्रीमद् भागवत ज्ञान महायज्ञ के समापन पर सामूहिक विवाह का आयोजन किया गया, जिसमें वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ 75 जोड़े प्रणिनय सूत्र में बांधे गए। सामूहिक विवाह का यह खास आयोजन जिला मुख्यालय से 90 किलोमीटर दूर कटघोरो अंबिकापुर राष्ट्रीय राजमार्ग पर कंदई जल प्रताप पर बने स्वामी भजनानंद वनवासी सेवा आश्रम में आयोजित हुआ। स्वामी शारदानंद सरस्वती के मार्गदर्शन में पिछले 2 दशक से लगातार साल में एक बार जरूरतमंद युवक युवती की शादी के लिए सामूहिक विवाह का मंडप सजाया जाता है। जोड़ों की संख्या हर साल घटती और बढ़ती रहती है। इस वर्ष 75 जोड़े स्वामी भजनानंद सेवा आश्रम में एक साथ प्रणिनय सूत्र में बंधे। महायज्ञ एवं विवाह कार्यक्रम में प्रदेश व देश के विभिन्न प्रांतों से साधु संत विद्वानों का भी आशीष प्राप्त होता है। इस अवसर पर श्रीमद् भागवत कथा ज्ञान यज्ञ का आयोजन भी किया था। आज महायज्ञ के समापन तथा सामूहिक विवाह में शामिल होने छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत, गो सेवा आयोग के अध्यक्ष डॉक्टर राम सुंदर दास महंत, साथ ही क्षेत्र विधायक मोहित राम कटकेटा व बड़ी संख्या में जनप्रतिनिधि व गणमान्य लोग शामिल हुए तथा नव दंपति को आशीर्वाद दिया। साथ ही स्वामी भजनानंद आश्रम के स्वामी शारदानंद सरस्वती का आशीर्वाद भी लिया। का केंद्र है यहाँ महामंडलेश्वर शारदानंद जी महाराज पधारते हैं। हम लोग हमेशा कोशिश करते हैं कि उनके आशीर्वाद लें। उनके आशीर्वाद से हम सबको आत्मीय शांति मिलती है और कुछ करने की और इच्छा बढ़ती है कि जन सेवा के मार्ग में और आगे बढ़ें। उसी उद्देश्य से कोशिश करते हैं कि प्रतिवर्ष यहाँ आएँ। उनका आशीर्वाद लेके हम लोग धन्य होते हैं और उनकी कृपा हम पर बनी है, ये हमारे लिए सौभाग्य है। गरीब कन्या को विवाह होता है उसको आशीर्वाद देना पड़ता है। आज कन्या विवाह हुआ है, उसमें आप आशीर्वाद देना पड़ता है। जी, कन्या विवाह हुआ, बहुत 75 लोगों का हुआ, हर वर्ष होता है। पिछले वर्ष कोरोना में नहीं हो पाया था। जब जब भी विवाह का अवसर आता है मैं यहाँ उपस्थित होने की कोशिश करता हूँ और एक दो कन्या का दान भी करने की कोशिश करता हूँ। भजनानंद आश्रम से स्वामी शारदानंद जी महाराज जो महामंडलेश्वर हैं वो यहाँ सेवा कार्य करते हैं। प्रत्येक वर्ष निधन कन्याओं का वो कन्यादान करते हैं। इस वर्ष भी 75 कन्याओं का गृहस्थ जीवन में उनका पदार्पण हुआ है और उन्हीं को आशीर्वाद देने के लिए विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री डॉक्टर चरणदास महंत जी के साथ में यहाँ पधारे हुए हैं। स्वामी से भेंट मुलाकात हुई है, उनसे आशीर्वाद हम सब प्राप्त किए हैं और निश्चित रूप से इस प्रकार का सेवा कार्य चलते रहना चाहिए, क्योंकि संत महात्माओं का धर्म ही सेवा करना है और स्वामी शारदानंद जी महाराज निश्चित रूप से इसको बहुत अच्छे ढंग से कर रहे हैं। बड़े कलवा से क्या शादी करने की आपका से है, मतलब क्या मन बना आपको? यहाँ का शादी कुछ अच्छा लगता है, हम लोग गरीब परिवार के हैं इसलिए यहाँ शादी कराने आए। क्या क्या मिला है आपको? साइकिल मिला, पेटी मिला, गद्दा मिला, छटाई मिला।